कोई सुरक्षा नहीं है जी यहाँ पे, कोई रात को राउंड नहीं लगता, कोई चौकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप रात को 2 बजे भी आएंगे, सन्नाटा मिलेगा, जो मर्जी आपको झपेट के लपेट सकते हैं। तो वार करते ही, जैसे हमने वार करना चाहा, तो वार करने के बावजूद उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग करनी चालू कर दी। जो फर्स्ट बंदा आया वो यहाँ पर आया और सिक्सर लेके ऐसे ऐसे कह रहा है कि अब तो तुम लोग अंटे में फंस गए। बहुत देर बाद यहाँ पता लगे, जब हम लोग जो है आए अंदर, कह रहे हटो 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 पीछे हटो, रिवॉल्वर सबके पास भिरा दिए और कह रहे हैं जो है वो निकाल दे फटाफट। नमस्कार, मैं हूँ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहाँ दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली में जो चोरी की जो वारदातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा आम है, लेकिन इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि चोर जो हैं उनके पास हथियार आते कहाँ से हैं, कहाँ से उनके पास ऐसे बंदूक चाकू जैसे हथियार जो है वो आते हैं। जी हाँ, इसी को लेकर मैं मौजूद हूँ दिल्ली के बेगमपुर इलाके में, जहाँ से एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहाँ 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने एक इलाके में 4 से 5 दुकानों को 1 घंटे के अंदर अंदर लूट लिया। हम आपको दिखाते हैं कि वो जो चोर हैं वो सीधा इस रास्ते से सामने से आए, आते हुए रास्ते में जितनी भी दुकानें थी 1, 2, 3 करके सारी दुकानें चोरी करी। वहाँ पे गोली के निशानी पे उन्होंने, जो दुकान मालिक थे उन्होंने पहले बंदूक दिखाई और उसके बाद जो है चोरी की, और उसके बाद जो है वो सीधा यहाँ पर आए इस दुकान में, शंकर कन्फेक्शनरी जो हमें दिखाई दे रही है वो यहाँ पर आए। यहाँ पर भी उन्होंने बंदूक की नोक पर चोरी करी और फिर सीधा जो उसकी अगली दुकान है उस पर चले गए। जी हाँ, ये काम उन चोरों ने 1 घंटे के अंदर अंदर कर लिया, इस काम को 1 घंटे के अंदर अंदर अंजाम दे दिया। तो आइए एक बार यहीं के लोगों से जुड़कर उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे हुआ था ये पूरा वारदात। जी सर, आप हमें बताएंगे कैसे उन्होंने इस पूरी वारदात को जो है अंजाम दिया। करीब 2 बाइक पर आए यहाँ और आते हैं पिस्टल रिवाल्वर भिड़ाते हुए निकल अंदर आ गए। इसके बाद फिर बैग भरा पैसा हुआ था उसको छीन लिए, और इसके बाद वो जब पकड़ने की कोशिश किया गया तो फायरिंग किए, 4 फायरिंग किए। फायरिंग करी उन्होंने? हाँ, फायरिंग किए। पुलिस को फिर फोन किया गया, पुलिस आ रही है 1 घंटे के बाद। पुलिस को आपने तुरंत ही फोन कर दिया था, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि आगे से लूट आगे हुआ था, लूटकाट दो दुकानें पर आगे हुआ था। इसके बाद फिर वहाँ कॉल हुआ, पुलिस फिर भी 1 घंटे के बाद आ रही है। पुलिस यहाँ की निकम्मे हो गई एकदम, कोई मतलब पैसा लेना हो किसी से तो लेने आ जाए। वो आप ही की दुकान है ये जो जहाँ पर हुए? जी, की दुकान है। तो आप उस वक्त थे वहाँ पे मौजूद थे? मैं नहीं था, मैं बाद में आया। यहाँ दो भतीजे दान कहाँ गए जी? यहाँ जब आए थे ना, यहाँ जब आप थे यहाँ पे, जब यहाँ आए थे तो दो चार आदमी थे और 2 बाइक थे, एक पल्सर था ब्लैक एंड वाइट, एक अपाची थी रेड एंड वाइट। तो दो जने यहाँ उतरे, यहाँ उतरने के बाद वहाँ यहाँ चढ़े और चारों के पास हथियार थे, पिस्टन थे। तो आप उस वक्त दुकान पर खड़े हो गए, आपने देखा होगा ये। आपको पहले जो पिछले दुकानों पे उन्होंने लूटपाट किया उसकी खबर मिली थी? इतने मिली थी, बाद में मिली। अच्छा, आपकी दुकान पे लूट होने के बाद आपको पता चला? बहुत देर बाद यहाँ पता लगे, जब हम लोग जो है आए अंदर, कह रहे हटो 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 पीछे हटो, रिवॉल्वर सबके पास भिरा दिए और कह रहे हैं जो है वो निकाल दे फटाफट। उन्होंने पैसे के थैले उठाए और उठाने के बाद जो है ना फिर कह रहे देसी घी कहाँ रखा हो ये बता दे मेरे को। तो हम लोग डर के मारे बोले गोदाम में जाके लिया, फिर उन्होंने गए नहीं और थैले उठाए और बाहर निकले। फिर हम लोग डंडा लेके मारे उसको, लेकिन बाइक के टायर में जाके लगी। बाइक के टायर में जाके जब लगी, हमने दूर से डंडा मारा, तो उन्होंने जो वो डंडा उठा लिए और 3 फायरिंग भी करे। कहाँ पे? हवा में की थी, शटर पे लगे एक और 2 जमीन में मारे, उसमें से जो है उन भाई को भी लग गए थे, लेकिन बच गए, लेकिन वो हम लोग के भी लगने से बच गए। जो है आप लोगों के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करी उन्होंने, ये नहीं कि डराने के लिए, पर ऊपर करी आपके, वो तो बच गए हम लोग लग। ये सब पुलिस का मतलब ढिलाईपन से हो रहे हैं। अच्छा, इस इलाके में ऐसे जो वारदातें हैं वो पहले भी हो रखे हैं? पहले भी हुए हैं, इससे 10-15 दिन पहले हुए, गुरु वाले के हुए थे, उसके बाद जो है ज्योति वाले के हुए, फिर उसके बाद हमारे हुए, फिर उसके बाद मर्डर डेरी है इनके हुए हैं, 5 जगह हुए हैं यहाँ। तो ये फायरिंग जो थी वो आपके, बिल्कुल आप बचे उस फायरिंग से? हाँ जी, ये हम लोग करीब 9 बजे करीब अचानक हम लोग सारे काम कर रहे थे, 4-5 बंदे थे हम, रात के 9 बजे। तो अचानक पहले जो फर्स्ट बंदा आया वो यहाँ पर आया और सिक्सर लेके ऐसे ऐसे कह रहा है कि अब तो तुम लोग अंटे में फंस गए, ठीक है। और दो बंदे पहले तो हमारे जो कस्टमर थे, 4-5 कस्टमर के बावजूद होने के बावजूद भी वो लोग आए इतनी हिम्मत करके और हमारे कस्टमर को बोले यहाँ से निकल लो। तो हमारे जो कस्टमर जो डर के जो निकल गए वो तो निकल गए, और जो एक बंदा यहाँ अड़ा रहा उसके ऊपर भी हत्था मार के और उसको अंदर ले जा कर बिठा दिया उसको,
और बिठा के उसको बोला, मतलब एक बंदा तो यहाँ सीने पे बंदूक तान के खड़ा था और दूसरा बंदा अंदर जाके तान के खड़ा था, और जो तीसरा बंदा अंदर गया वो सीधा अपना पैसे का गले उला खोला, जो हमारा थैला था वो थैला उठाया और सीधा बाहर निकल गया, और अंदर में दो थप्पड़ भी मारे, और बाहर निकल कर जैसे ही वो लोग आगे की तरफ बढ़े, हम लोग उसके पीछे आके और उसके ऊपर वार करना चाहा, तो वार करते ही जैसे हमने वार करना चाहा तो वार करने के बावजूद उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग करनी चालू कर दी। आपके आपको लगते लगते बच गया जी, पहली फायरिंग की उन्होंने हवा में, दूसरी फायरिंग की हमारे पैरों के ऊपर, और तीसरी जो मैंने रोड फेंक के मारा था उसने सीने के ऊपर की थी, तो मैंने शटर घेर दिया था। ठीक है, इसके बाद वहाँ गए मुन्ना की दुकान पर सामने, वहाँ पर शटर वो गिरा चुका था वारदात मतलब होने के बावजूद, तो उसकी शटर मतलब ऊपर करके फिर वहाँ वारदात कर रहे थे, तो हमने वही मतलब जो फेंक के मारा था उसकी वजह से फायरिंग वायरिंग करके हमारे ऊपर वहाँ से भाग गए, वरना वो शायद से और दुकानें भी लूट सकते थे जी, आगे चल के और दुकानें भी बता रहे थे लूटने की कोशिश की थी। मेरी श्रीराम डेरिया यहीं बगल में, पहले इनके पास आए फिर मेरे पास में वहाँ आए, बोलेगा मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बोलेगा तू चुप रहा नहीं तो बजा देंगे तेरे में अभी। कितने लोग थे वो? कोई पाँच थे, मेरे पास में दो गए थे और दोनों ही मारपीट भी करने लगे, और कहना फिर गला मेरा भगा दिया ऐसे, और पैसे निकाल के जो थे वो सब ले गए। अच्छा, तो आप लोगों ने इस पूरी वारदात की जो है पुलिस में शिकायत लिखवाई है? शिकायत तो कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। कोई सामान भी बरामद नहीं हुआ आपको, वापस नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई सामान वापसी नहीं हुआ हमारा, अभी कह तो रहे लेकिन अभी कुछ भी नहीं बोला। कितने दिन हो गए इस घटना को? चार दिन हो गए आज लगभग। चार दिन हो गए और पुलिस ने आपको पूछताछ के लिए बुलाया, अभी तक तीन दिन हो गए आप बता रहे हैं? हाँ, तीन दिन तो हो गए लेकिन अभी तक पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उधर पूरी रात उन्होंने काली कर दिया, दो बजे तक हमको वहाँ तक बैठा कर रखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस इलाके में सीसीटीवी फुटेजेस है लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा अभी भी। सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद उन्होंने अभी तक पकड़ा नहीं है चोरों? नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा गया, दुकानों के डीडीआर खुद रखे बैठे हैं पुलिस वाले। अच्छा, जो ये ऐसी घटनाएं हैं ये इस मोहल्ले में आम है? आम है, ये तो कई बार हो चुका है आपसे पहले, कई बार हो चुका है। जय भगवान, जय भगवान जी। विधायक यहाँ के जय भगवान जी और एमएलए धर्मेंद्र कुमार। हाँ जी, तो पुलिस जो है इस इलाके में आती है राउंड मारने पीसीआर की वैन, कभी आप लोगों को सुरक्षा देने के उससे? कोई सुरक्षा नहीं है जी, यहाँ पे कोई रात को राउंड नहीं लगता, कोई चौकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप रात को दो बजे भी आएंगे सन्नाटा मिलेगा, जो मर्जी आपको झपेट के लपेट सकते हैं, खुलेआम वारदात होती है यहाँ, खुलेआम चोरी, खुलेआम चकोरी आम बात है, कॉमन चीज है। जैसे वारदात हुई तो कितनी पुलिस यहाँ पर आई, कितनी मात्रा में थी पुलिस? मैम पुलिस तो बहुत मात्रा में आई थी, पूरा स्टाफ यहीं आ गया था, करीब एक आधा पौने घंटे बाद आ गया था यहाँ बेगमपुर थाने का। जी जी जी, एसीपी भी आए थे, डीसीपी भी आए थे, और एसएचओ भी आए थे, सारे लोग आए थे, पूरी मतलब पूरा स्टाफ ही आ गया था यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोगों का डीवीआर निकाल कर पुलिस वाले बोले ये आप मेरे को दे दो, हम तहकीकात करेंगे। और कल भी आए थे पुलिस वाले, मेरे से बोल रहे हैं कि अभी देखो सब कुछ, अभी हम पूरा मतलब छानबीन कर रहे हैं, इसके जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट दिया जाएगा। ये उन्होंने आपको कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द जो है पकड़ेंगे चोरों को? और जी मैम, उन्होंने कल भी आए थे हमारे आईओ साहब, जिनका नाम है संदीप, वो बोले थे कि आप चिंता मत करो, जल्द से जल्द ये कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि एक दिन एक मतलब दस आधा एक घंटे के अंदर पांच वारदात बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसकी हमने पूरी छानबीन कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसका निकाल कर देंगे इसका। तो ये थे हमारे साथ वो लोग जिनकी दुकानें पर जो है चोरी हुई है, इनसे बात करके हमने खुद देखा कि कैसे एक घंटे के अंदर उन हौसले बुलंद चोरों ने पांच दुकानों में जो है वो लूट कर ली, और उसके बाद जब इन लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, उन्होंने डंडा फेंका रोकने के लिए उन्हें, तो इनको डराने के लिए उन्होंने फायरिंग करी। जी हाँ, फायरिंग इन्हें लग भी सकती थी, वो ऐसे की थी कि इन्हें मारने के इरादे से ही की थी। एक इंसान ने तो बताया कि उसकी जो जान है वो बाल बाल बची है, तो इस चीज़ से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोर जो है वो कैसे बिना बेखौफ होकर जो है यहाँ पे चोरी करके गए हैं। जैसे ही उन्होंने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस भी बताया जा रहा है कि पौने घंटे बाद आई, और अभी तक हम आपको बता दें कि जो चोर है वो पकड़े नहीं गए। हालांकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो है वो चोर पकड़े नहीं गए हैं। तो इन लोगों की यही शिकायत है कि जल्द से जल्द जो चोर है वो पकड़े जाने चाहिए। इसके अलावा भी इन लोगों ने हमें बताया कि इस इलाके में जो चोरियाँ हैं वो बहुत ही आम है, आए दिन जो है ऐसी चोरियाँ होती रहती हैं, ये इलाका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर इन लोगों की यही मांग है कि इस इलाके को जल्द से जल्द पुलिस द्वारा सुरक्षित बनवाया जाना चाहिए। इसी के साथ पुलिस ने जो है अभी तक उन चोरों को पकड़ा नहीं है, तो देखने वाली बात भी ये होगी कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले को सुलझा पाती है, इस एक घंटे में हुई पांच चोरियों के मामले को सुलझा पाती है। आप भी अपनी राय इस मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज़तर्रार न्यूज़, दिल्ली।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।